नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 9 जून देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के अंदर एक बार फिर से भारी बगावत हो गई है दोस्तों। बीजेपी के लगभग 33 से ज्यादा विधायक अब टीएमसी के संपर्क में आ गए हैं। इसको लेकर के एक ताजा अपडेट आ रही है, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी भी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर बीजेपी की बैठक में कई नेता जो है एब्सेंट रहे हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में भारी टूट होने जा रही है। किस दिन ऐसा हो सकता है, हम आपको इसकी भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, उनकी जो है पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या ऐलान किया गया, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को खुलेआम जड़ा गया थप्पड़, इसको लेकर के एक ताजा अपडेट और एक नया वीडियो आया, हम आपको आगे दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में एक बार फिर से येदुरप्पा के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। खुद येदुरप्पा के अपने नेता जब सड़कों पर आए हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा का एक बार फिर से इस्तीफा मांगा गया है, किस तरह से आगे, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है, और यह प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इस पर पूरी अपडेट आगे हम आपको बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गुजरात से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है चुनाव से पहले, किस तरह से आगे हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव के खिलाफ पटना में केस दर्ज हो गया है, और केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या क्या कार्रवाई हुई है, हम आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, पश्चिम बंगाल से आ रही दोस्तों। पश्चिम बंगाल बीजेपी में भारी बगावत हो गई है, आप इस खबर को देख सकते हैं। टीएमसी के लगभग अब बताया जा रहा है कि 10 से 33 ऐसे नेता हैं जो टीएमसी के संपर्क में आ गए हैं। साथ ही साथ यहां पर ताजा एक और अपडेट मिल रही है, अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजेपी की कल एक उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी नेताओं को शारीरिक रूप से उपस्थिति होना आवश्यक था, लेकिन इस मीटिंग में मुकुल रॉय, शामिक भट्टाचार्य और राजीव बैनर्जी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे हैं, अनुपस्थित रहे हैं। और इसके बाद ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि बंगाल के अंदर बीजेपी में भगदड़ किसी दिन भी मच सकती है, कई नेता टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, आप इस खबर को देख सकते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों को समर्थन देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजभर ने मंगलवार को जिले के रसड़ा कस्बे में अपने निवास पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगा जिस पर उसके उम्मीदवार जीत की स्थिति में होंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पहल पर प्रदेश के कई क्षेत्रीय दलों ने साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अब पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी को सुहेल देव पार्टी ने समर्थन दे दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों को देश के दक्षिण हिस्से के दौरे के दौरान एक व्यक्ति ने जमकर पीट दिया है और चाटा मार दिया है। आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मैक्रों दक्षिणी फ्रांस में एक दौरे पर गए थे और वहां मौजूद भीड़ से जब वो हाथ मिलाने गए तो एक शख्स ने उन्हें दबा करके थप्पड़ जड़ दिया है। मैक्रों की सुरक्षा टीम ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और राष्ट्रपति को
को वहां से दूर ले गए। BFM टीवी और RMC रेडियो के मुताबिक इस घटना के संबंध में दो लोग अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को सरेआम थप्पड़ जड़ा गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से, जहां पर एक बार फिर से दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री येदुरप्पा का इस्तीफा मांग लिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक की सियासत में एक दिनों फिर से कुछ बड़ा होने की सुगबुहार तेज है। पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा को पद से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस बीच विपक्ष इस मौके को भराने में कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मौजूदा मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हम राज्य के अंदर उचित शासन चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि सरकार गिरे और चुनाव कराए जाएं। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा सिर्फ ड्रामा करने में लगे हैं, राज्य के अंदर प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। और इन सारे मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा को खुद जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक और नया मामला सामने आया है कर्नाटक से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में एक बार फिर से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर रखे गए 22 मरीजों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पिछले दिनों कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। ऐसे में आगरा के एक अस्पताल के मालिक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने 5 मिनट के लिए मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की बात कही थी। दावा किया जा रहा है कि इससे 22 मरीजों की कैजुअल्टी हो गई थी। आगरा में पारस हॉस्पिटल के संचालक मरीजों की मॉक ड्रिल की बात कहकर बुरे फंस गए हैं। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी पर मॉक ड्रिल और 22 मरीजों की कैजुअल्टी की बात के वायरल वीडियो ने मामले को पेचीदा बना दिया है। इस बीच जिलाधिकारी ने कहा है कि 22 मरीजों की कैजुअल्टी की बात गलत है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। गुजरात की राजनीति में दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, इसको लेकर के फिर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर के पार्टी से हुई अनबन के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और यह पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, वघेला ऐसा बताया जा रहा है। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान को प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष का चुनाव कराना है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति सबसे पहले होगी, उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले गुजरात में कांग्रेस के रणनीतिक स्थिति के मुताबिक वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वघेला पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उनको पार्टी में बहुत जल्द जो है वापसी करवाई जा सकती है। तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बाबा रामदेव के खिलाफ पटना में केस दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को उन पर पटना में IPC की विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पटना के पत्रकार नगर थाना में उन पर IPC की धारा 317, 186, 188, 420 समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA द्वारा दर्ज करवाए गए केस की छानबीन में पटना पुलिस अब जुट भी गई है। दर्ज FIR बाबा रामदेव की एक कथित वीडियो का जिक्र है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोविड के टीके बेकार हैं। बाबा रामदेव पर इंडियन पैनल कोड की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया गया है, इसमें धारा 186 IPC के तहत लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना और कई धाराओं पर मामला दर्ज हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।